हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो नीट यूजी 2023 स्टूडेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाली है। गाइस, नीट यूजी 2023 के लिए टाई ब्रेकिंग पॉलिसी जो है वो चेंज हो चुकी है। सरकार ने उसके नियम बदल दिए हैं। एनडीए के थ्रू जो ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन वो आ चुकी है। तो कौन से नियम नए लागू हुए हैं, किस तरीके से आपका जो काउंसलिंग का प्रोसेस है वो निर्धारित किया गया है। जैसे आपने देखा होगा, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स होते हैं, जैसे 21 लाख स्टूडेंट्स ने फॉर्म फिलअप किया है, तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसे मिलेंगे जिनके सेम मार्क्स होंगे। सेम मार्क्स होने के बाद भी उनका ऑल इंडिया रैंक अगर आप देखेंगे डिफर होता है। तो किन बेसिस पे वो रैंक डिसाइड किया जाता है, और रैंक के बेसिस पर ही स्टूडेंट्स की काउंसलिंग होती है, उनको कॉलेज अलॉट होते हैं। तो आज मैं यही आपको बताने वाली हूँ कि जो टाई ब्रेकिंग पॉलिसी है वो नीट यूजी 2023 के लिए उसमें क्या क्या चेंजेस किए गए हैं, और आप लोगों के लिए किस तरीके से इंपॉर्टेंट रहेगी। तो जो भी स्टूडेंट्स नीट यूजी 2023 का एग्जाम दे रहे हैं, देने वाले हैं, उन सभी के लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगी। तो गाइस, सबसे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको नीट यूजी से रिलेटेड की हर टाइप की इंफॉर्मेशन, चाहे वो ऑफिशियल नोटिस से रिलेटेड हो, रिजल्ट, कट ऑफ, काउंसलिंग से रिलेटेड की पल पल की अपडेट आपको इस चैनल के थ्रू प्रोवाइड करवाई जाएगी। अब देखिए गाइस, क्या चेंजेस किए हैं एनटीए के थ्रू, जो टाइप ब्रेकिंग पॉलिसी है उसके अंदर क्या क्या चेंजेस हुए हैं वो देख लेते हैं, क्योंकि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। तो देखिए, एनडीए ने नीट यूजी के लिए टाई ब्रेकिंग पॉलिसी में बदलाव कर दिया है, जिसके अनुसार अब बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स में प्राप्त अंकों के आधार पर रैंकिंग मिलेगी। तो गाइस, सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर दूं कि पहले क्या होता था, एज का भी एक क्राइटेरिया होता था, एज के बेसिस पर भी जो रैंक है स्टूडेंट का वो डिसाइड किया जाता था। अब कुछ चेंजेस हुए हैं, और ये जो सब्जेक्ट्स है किसको पहले प्रायोरिटी दी जाएगी वो भी देख लेते हैं हम। एनटीए गाइस नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है, जो कि आपके नीट का एग्जाम कंडक्ट करवाएगी, ठीक है, और वही रैंक जो है आपका निकालेगी। तो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने नीट यूजी की परीक्षा में बदलाव किया है। जी हाँ, एनटीए ने नीट यूजी की टाई ब्रेकिंग पॉलिसी में बदलाव कर दिया है। नई टाई ब्रेकिंग पॉलिसी के अनुसार इस बार दो छात्रों के एक समान नंबर आने पर सबसे पहले उसके बायो के मार्क्स देखे जाएंगे, यानी कि जिस छात्रों की बायोलॉजी में अधिक मार्क्स होंगे उसे ही रैंक में ऊपर रखा जाएगा। लेकिन अगर किसी भी स्थिति में बायोलॉजी में भी दोनों छात्रों के समान मार्क्स होते हैं, मतलब इक्वल मार्क्स होंगे, तो इस स्थिति में छात्रों के फिजिक्स और केमिस्ट्री के मार्क्स की तुलना की जाएगी। इससे पहले क्या होता था, एज के अकॉर्डिंग डिसाइड होता था, इससे पहले उम्र के अनुसार डिसाइड होती थी रैंक। बात अगर पहले की टाई ब्रेकिंग पॉलिसी दो छात्रों के समान अंक आने की स्थिति में एप्लीकेशन नंबर और अधिक उम्र वाले छात्र को वरीयता दी जाती थी, पहले अपनाई जाने वाली टाई ब्रेकिंग पॉलिसी को तर्कहीन माना गया, और यही कारण है कि एनडीए ने इस पॉलिसी में बदलाव कर दिया है। नीचे टाई ब्रेकिंग पॉलिसी को विस्तार से बताया गया है। तो गाइज, अगर आपके इक्वल मार्क्स आते हैं तो किन किन के बेसिस पर जो है रैंक डिसाइड किया जाएगा, सबसे पहले आपके बायो के मार्क्स देखे जाएंगे। अगर आप लोगों के बायो में मान लिया जाए इक्वल मार्क्स है, इक्वल मार्क्स होने के बाद जो सेकंड प्रायोरिटी दी जाएगी वो केमिस्ट्री को दी जाएगी, और केमिस्ट्री में भी अगर मान लिया जाए कि इक्वल मार्क्स आ गए, जैसे दोनों ही कंडीशन काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के इक्वल हो जाए, बायो में भी इक्वल मार्क्स आ जाए, केमिस्ट्री में भी इक्वल मार्क्स आ जाए, तो फिर अब किसको जो है प्रायोरिटी मिलेगी। तो केमिस्ट्री का फॉर्मूला अगर फेल होने के बाद फिजिक्स के मार्क्स को चेक किया जाएगा, तो जो थर्ड सब्जेक्ट होगा फिजिक्स उसको चेक किया जाएगा, और जिस छात्र को फिजिक्स में ज्यादा मार्क्स मिलेंगे उसे ही रैंक में आगे रखा जाएगा। आफ्टर दैट, इसके साथ ही जिस छात्र के गलत उत्तरों की गिनती कम होगी उसे रैंक में ऊपर रखा जाएगा, ठीक है। राइट रॉन्ग आप कितना करते हैं ये भी आपकी प्रायोरिटी को डिसाइड कर देगा। जिस छात्र के बायो में लागत उत्तर और सही उत्तर का अनुपात इक्वल होगा उसे टॉप रैंक दी जाए, कम होगा सॉरी उसे टॉप रैंक दी जाएगी। उसके बाद केमिस्ट्री के गलत उत्तर का अनुपात देखा जाएगा, अगर केमिस्ट्री का भी रिजल्ट समान ही आता है तो फिजिक्स के आंसर के अनुसार जो है रैंक निर्धारित किया जाएगा। तो गाइस, ये आपका टाई ब्रेकिंग पॉलिसी आपकी हो जाएगी, ठीक है। तो आप लोग अगर एग्ज़ाम दे रहे हैं तो ये आप लोगों को समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट लगता है तो आप कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं, और गाइस वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट न्यू अपडेट के साथ, तब तक के लिए थैंक यू गाइज़।